नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। योगी 2.0 यानी कि दूसरे कार्यकाल का शुभारंभ हो चुका है। मंत्रीगण शपथ ले रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक शपथ ले चुके हैं। शपथ ग्रहण कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ब्रजेश पाठक तो दिनेश शर्मा की जगह पर आ गए ब्राह्मण चेहरे के रूप में, लेकिन सिराथू से हारने के बावजूद केशव प्रसाद मौर्य दोबारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर कैसे बने, ये हर कोई जानना चाहता है। आखिरकार उनका कौन सा जादू है जो काम कर रहा है? और आज भी आपने देखा होगा शपथ ग्रहण में तो किस तरीके से शपथ लेने के बाद वो प्रधानमंत्री से मिल रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका कॉन्फिडेंस सब कुछ अपने आप में बयां कर दे रहा है। तो जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल है क्या कि जिस सिराथू विधानसभा सीट से चुनाव लड़े वो कौशाम्बी जिले में आती है, उसी में गांव है कसिया, वहां के रहने वाले हैं। बहुत गरीब परिवार से रहे, इनके पिता चाय की दुकान चलाते थे, इसीलिए कभी कभी इनको जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि मोदी के बारे में भी ये कहा जाता है कि वो अपने पिता के साथ चाय की दुकान पर हाथ बटाया करते थे, और इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये अखबार बेचा करते थे। और जब ये राजनीति में कदम इन्होंने रखा 2000 के आसपास की बात हुई है, तो ये सबसे पहले विश्व हिंदू परिषद के नज़दीक आए, और उसमें अशोक सिंघल जो अब इस दुनिया में नहीं रहे उनके नज़दीक किसी तरीके से आ गए थे, उन्होंने इनके सिर पर हाथ रख दिया था। तो शुरू के दो चुनाव ये हारे थे, जो 2002 और 2007 का चुनाव। 2012 में पहली बार सिराथू सीट से जीते थे, और पहली बार ही सिराथू सीट पे बीजेपी को जीत मिली थी। इसके बाद जब वो जीत करके आ गए, तो फिर 2014 मोदी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ा गया, उसमें इनको फूलपुर से लड़ाया गया, तो वो सीट भी इन्होंने बीजेपी के झोली में लेकर के डाल दी थी, और अच्छे मत इनको मिले थे। तो सिराथू जीते, उसके बाद फूलपुर लोकसभा जीते, अब बारी आती है 2017 का चुनाव। तब ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, और पिछड़ों के चेहरे के रूप में ये उभर चुके थे। केंद्रीय नेतृत्व ने भी इनके कंधे पे हाथ रख दिया, और इन्होंने मेहनत भी की। 2017 के चुनाव में बीजेपी को अप्रत्याशित जीत मिली, 325 जो बीजेपी और सहयोगी दल है। ये चीफ मिनिस्टर के भी दावेदार थे, लेकिन उसके पहले ये सिर्फ विधायक और सांसद रहे थे, इनका कोई मिनिस्टर का भी एक्सपीरियंस नहीं था, तो इसलिए इनकी दावेदारी को बहुत मजबूत नहीं माना गया, और योगी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। योगी मुख्यमंत्री जब बने तो फिर इनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया, और फिर इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ने के बजाय MLC ये बने। अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में जो सपा के प्रमुख है अखिलेश यादव समेत तमाम इनके विरोधी इनका कह करके खिल्ली उड़ाया करते हैं। जब भगदड़ मची अभी हाल के दिनों में, तब यही एक पिछड़ों के नेता बचे। अब यहीं से ट्विस्ट आ रहा है। पिछड़ों के नेता बीजेपी में तो वैसे कई है, स्वतंत्र देव सिंह भी उसी कम्युनिटी से है, ये भी हैं और बहुत सारे नेता हैं, लेकिन जिस चेहरे को हर कोई जान रहा उस रूप में यही दिखाई दी। फिर भगदड़ मची, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान समेत तमाम लोग चले गए। केशव प्रसाद मौर्य जो है मोर्चा संभाले रहे, पूरे प्रदेश में घूमते रहे। अपनी सीट केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल के हाथों 7,500 से ये हार गए। इसके बाद सवाल उठे कि योगी से इनकी पटती नहीं है, अब ये कैसे, इनके करियर का क्या होगा? तो ये बातें होने लगी कि केंद्र के राजनीति में शिफ्ट किए जाएंगे, संगठन में शिफ्ट किए जाएंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन जिस तरीके से उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से इक्वेशन था, उसको देखते हुए कयास लगाए जाने लगे थे कि इनको कोई पोजीशनिंग मिल सकती है। अब वो कहाँ मिलेगी, लखनऊ में मिलेगी, मतलब UP में मिलेगी या केंद्र में, ये अटकलबाजियाँ चलती रही। लेकिन अब जबकि उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर की शपथ ले ली है, साफ हो गया कि उनको इनाम मिल गया है हारने के बावजूद। अब बात यहाँ पर आकर के अटक गई कि पिछला चुनाव हिमाचल प्रदेश में जो प्रेम कुमार धूमल हार गए और बीजेपी जीत गई, तो उनको चीफ मिनिस्टर इसी आधार पर नहीं बनाया गया कि आप तो हार गए और बीजेपी जीत गई, तो फिर जयराम ठाकुर चीफ मिनिस्टर बन गए। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य और उधर उत्तराखंड में धामी, इन दो का केस बुरी तरीके से फंस गया, और दोनों को केंद्रीय नेतृत्व चाह रहा था। धामी ने भी अच्छा काम किया था, जो भी उन्हें 5-6 महीने का टाइम मिला, और इधर केशव प्रसाद मौर्य ने भी चुनाव में अच्छा काम किया, पिछले चुनाव में भी इन्होंने काम किया था। लिहाजा उस सिद्धांत को तोड़ दिया गया, धामी को भी उधर उत्तराखंड में बनाया गया, और इधर केशव प्रसाद मौर्य को भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया। अब जब जैसे ही ये मंत्रिमंडल का शपथ पूरा हो जाएगा और मिनिस्ट्री का एलोकेशन होगा, उसमें पता चलेगा। अदरवाइज केशव प्रसाद मौर्य चाह रहे थे कि उनको गृह मिले। इस बीच
प्रधानमंत्री का अत्यंत नज़दीकी ब्यूरोक्रेट अरविंद शर्मा भी शपथ ले रहे हैं। तो गृह और गोपन को लेकर के पहले भी योगी जो है अड़ गए थे कि ये मैं किसी को नहीं दूंगा चीफ मिनिस्टर के रूप में। लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ी यूपी में समस्या रहती है और उसी लॉ एंड ऑर्डर बुलडोजर बाबा के नाम पे चुनाव जीता गया। तो देखने वाली बात ये होगी कि केशव प्रसाद मौर्य को कौन सा मिनिस्ट्री पोर्टफोलियो मिलता है। बारह केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं केंद्रीय नेतृत्व से अपनी नज़दीकी और पिछड़ों के नेता के रूप में उनको रिकॉग्नाइज किया गया है, क्योंकि 2024 में फिर से जो है चुनाव का सामना करना है, तब आम चुनाव होगा, दिल्ली की लड़ाई होगी। तो ये रही केशव प्रसाद मौर्य के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने की कहानी।